आज तो जो है देखो मुफ्ती आजम बना हुआ है, अलकाब की भरमार है, सच्चे टाइटल जो उसके मिसदाक हैं वो लोग तो मिलते नहीं। लेकिन साहब शेखुल इस्लाम भी बन गए, आला हजरत भी बन गए, अब तो यह है कि मुजद्दिद भी बन रहे हैं। लेकिन ये मेरा मुजद्दिद है बरेली का फाजिल, कि जिसने अपने आप को मुजद्दिद नहीं कहा, जिसने अपने आप को मशहूर करने के लिए जो है प्रोपेगंडा मुहिम नहीं चलाई, अपने खुलफा के जरिए से मशहूर नहीं कराया, अपने मुरीदों के जरिए से मशहूर नहीं कराया, अरे वो तो इस जज्बे के साथ जिया कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। लेकिन वो गौस जो गौसुल अब्बास है, वो गौस जिसका कदम सारे औलिया के गर्दन पर है, बरेली के मौलाना अहमद रजा खां को जो है उस गौस से ऐसी निस्बतें बराह रास्त निस्बत थी, अम्मार अहले शरीफ की उन पर वो बरकतें थी अल्लाह अकबर के वो कोने में काम करते रहे और उनके इल्म का गलगला जो है यहाँ से निकल करके अरब में पहुंचा। तो वहाँ वालों ने कहा वइन्नहु लमुजद्दिदु हाज़ा ज़मान, ये बरेली के अहमद रज़ा खान जो है बरेली के अहमद रज़ा खान नहीं है, ये इस सदी के मुजद्दिद हैं। अब कैसे सदी के मुजद्दिद हैं सुभान अल्लाह, अब जो मुजद्दिद बनेगा वो उन्हीं के मेयार पर नापा जाएगा, वो उन्हीं के मेयार पर देखा जाएगा। और उनका बेटा जो है वो कैसा मुफ्ती आजम है कि उन्होंने कहा था कि ये मेरा बेटा वली है, तो आज दुनिया मान रही है।